नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी और चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। अभी अभी दो मिनट पहले की बहुत बड़ी खबर। यूपी से संगम नगरी प्रयागराज में एक गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगाकर लड़कियों के वीडियो बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बहुत ही बड़ी खबर दोस्तों, मचा हड़कंप। यूपी के अंदर इस समय हड़कंप मच गया है। लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने न सिर्फ स्पाई कैमरे को बरामद किया, चौंका देने वाला खुलासा भी किया है, बल्कि हॉस्टल संचालक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति के कंप्यूटर से लड़कियों के वीडियो भी बरामद हुए हैं। अफसरों का कहना है कि इस मामले में हॉस्टल संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहां कुछ और लोग भी इसमें शामिल तो नहीं हैं। यह सनसनीखेज मामला प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके के मेहोपाल चौराहे के पास का है। यहां रहने वाले आशीष खरे नाम के एक व्यक्ति ने अपने घर के ऊपरी मंजिल के कमरों को लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल के तौर पर रखा है। इसमें कई लड़कियां रहती हैं। आरोप है कि आशीष ने बाथरूम के शॉवर में एक कैमरा छिपाया हुआ है। इस कैमरे में रिकॉर्ड हुए फुटेज वे अपने कंप्यूटर पर दोस्तों सेव भी किए हैं और सभी दोस्तों वीडियो अब पुलिस ने दोस्तों अपने अंडर में ले लिए हैं। बहुत ही बड़ा एक खुलासा हुआ है। हॉस्टल को बंद कर दिया है और उसे दोस्तों गिरफ्तार कर लिया है, रिमांड पर दोस्तों उसे भेज दिया है। बहुत ही बड़ी खबर। अब दोस्तों पुलिस लगातार छानबीन में जुटी हुई है। जितने भी हॉस्टल है सभी को फिर से चेक किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला दिया है। अगर इसमें कोई भी दोषी पाया गया तो उसके घर बुलडोजर चलने वाला है और योगी बाबा उसे बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। आपको प्रत्येक अपडेट मिलेगी। आपसे विनती है कि अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।